रितेश, मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में आलोक सर जी। आलोक सर, ये तीनों जो फिल्में हैं हाउसफुल, हाउसफुल वन एंड टू, आप तीनों के हिस्से रहे हैं और अक्षय सर भी इन तीनों फिल्मों में थे, तो क्या बदलाव देखा है आपने इन तीनों फिल्मों के दौरान अक्षय सर के भीतर? और एक वर्ड आता है सुंडी, इसका भी मतलब जानना चाहेंगे, आप लोग अक्सर यूज करते हैं। मैं बोलूं? नहीं, तेरे से होगा? हाँ, पहले प्रश्न का तो जवाब दे, उसके बाद मैं। Honestly, also I've been there since Houseful One. I have no idea still what Sundi means. I have no idea. So Sundi actually means basically एक कीड़ा होता है. So that is the actual meaning of it. पंजाबी में होता है Sundi मतलब कीड़ा. सब पहले सवाल का जवाब दे दी. पहला सवाल क्या था? सर, तीन फिल्मों में आप अक्षय सर के साथ है, क्या बदलाव देखा है आपने while shooting all three? I think जब मैंने पहली फिल्म की थी तो अक्षय इज गुड, ही वाज बेटर, और उनका मैंने परिवर्तन देखा है और बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने इतने बड़े एक्टर बन चुके हो, आज सुपरस्टार है। और मैंने सबसे बड़ा बदलाव उनके प्राइस में देखा है, हालांकि मेरी प्राइस वही थी, मेरी प्राइस कम हो रही थी, इनकी बढ़ रही थी, तो ये बदलाव चलेगा ना, बदलाव दोनों की प्राइस में है। रितेश, हाय, दीपाली फ्रॉम टीव्ही 9 मराठी। सैराट बद्दल विचारायचं तुला, तू सैराट साठी ट्विट केलंयस, सैराट सिनेमा पाहिलायस का? तर त्याबद्दल जरा सांगशील, सैराट बद्दल तू ट्विट केलंयस। सध्या सैराटचे सर्व शो हाऊसफुल होत आहेत सगळीकडे, त्याचा मला वाटतं सर्वांना अभिमान आहे आणि आनंदी आहे, आणि मला वाटतं की रिजनल चित्रपट जितके चांगले चालतील तेवढं छान आहे, चांगलं आहे। आणि कुठलाही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा सर्वांनाच आनंद होतो, कारण काही बिझनेस चांगला होतो। ह्याच्यापेक्षा जास्त आता हाऊसफुलबद्दल बोलावं असं मला वाटतं। धन्यवाद।